का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज सिर्फ अटल जी का ही सपना नहीं पूरा हुआ है, आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। पूरे वर्ष हिमाचल से लद्दाख अटल यात्रा करने की सहूलियत देने वाली दुनिया की सबसे लंबी टनल का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, जिसकी आधारशिला वर्ष 2002 में रखी गई थी और ये अब करीब 18 वर्षों में बनकर तैयार हुई। साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था। अटल जी की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भी भुला दिया गया। हालत ये थी कि साल 2013-14 तक टनल के लिए सिर्फ 1300 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर से भी कम काम हो पाया था। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से अटल टनल का काम उस समय हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो ये सुरंग साल 2040 में जाकर के शायद पूरी होती। अब अटल टनल बनकर तैयार है। अभी रोहतांग पास के जरिए मनाली से लेह जाने में 474 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती थी। बर्फबारी के समय लाहौल स्पीति घाटी साल में 6 महीने तक देश के दूसरे हिस्सों से कट जाती थी, लेकिन अब करीब 9 किलोमीटर लंबी इस टनल के तैयार होने से लेह से मनाली अब महज 4 से 5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे, प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस टनल से मनाली और केलांग के बीच इसकी दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी। ये टनल हिमाचल के पीर पंजाल रेंज में 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनी है, जिस पर करीब 3200 करोड़ रुपयों की लागत आई है। इस टनल में वाहनों के लिए 80 किलोमीटर की रफ्तार तय की गई। इसके अंदर एक बार में 3000 कारें या 1500 ट्रक एक साथ निकल सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से हर 150 मीटर की दूरी पर टेलीफोन की व्यवस्था की गई है। हर 60 मीटर की दूरी पर अग्निशमन यंत्र रखे गए हैं और 250 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। वायु गुणवत्ता की जांच करने के लिए हर 1 किलोमीटर पर मशीन लगी हुई। अभेद्य पीर पंजाल का उसको भेद कर एक बहुत कठिन संकल्प को आज पूरा किया गया है। इस महायज्ञ में अपना पसीना बहाने वाले, अपनी जान जोखिम में डालने वाले मेहनतकश जवानों को, इंजीनियरों को, सभी मजदूर भाई बहनों को आज मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं। इस सुरंग के नीचे एक अन्य सुरंग का भी निर्माण किया गया है, जो विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन निकास का काम करेगी। इस टनल की डिजाइन में इस बात का ध्यान रखा गया ताकि बर्फ और हिमस्खलन से यातायात बाधित ना हो। चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच ये टनल सामरिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब लद्दाख में तैनात सैनिकों से बेहतर संपर्क बना रहेगा, उन्हें साल भर हर मौसम में हथियार और रसद
कम समय में पहुंचाई जा सकेगी। यानी अटल टनल देश के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि देश के सैनिकों के लिए भी सहूलियत की टनल है। मनाली, हिमाचल प्रदेश से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।